हेलो दोस्तों, आज हम सीखेंगे इंग्लिश ग्रामर। इंग्लिश ग्रामर का वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। देखिए दोस्तों, ये क्लास हिंदी से अंग्रेजी में अनुवाद करने के लिए है, तो ये आपकी क्लास छठी, सातवीं, आठवीं और नौवीं, दसवीं, ग्यारहवीं, बारहवीं किसी कक्षा के इंपॉर्टेंट हो सकता है। तो आइए दोस्तों शुरुआत करते हैं। अक्सर सबसे ज़्यादा छठी, सातवीं और आठवीं के लिए। तो सेंटेंस आप सामने है कि यह क्या है, यह क्या है। अब ऐसा सेंटेंस आपके सामने आया, यह क्या है, तो आप कैसे लिखेंगे? व्हाट इज दिस, इसको क्या लिखेंगे? व्हाट इज दिस, इसका पहला अक्षर कैपिटल रहेगा और बाकी स्मॉल लेटर रहेंगे। फिर दिस, व्हाट इज दिस, यह क्या है, पीछे क्वेश्चन मार्क लगाए तो अपन भी पीछे क्वेश्चन मार्क लगाए, प्रश्नवाचक चिन्ह, ठीक है। तो आपका सेंटेंस पूरा होगा व्हाट इज दिस, ठीक। तो इस तरह से पर व्हाट इज दिस मतलब यह क्या। दूसरा सेंटेंस पढ़ेंगे, यह एक किताब है। यह अपन कोई कहता ना कि यह क्या है, तो अपन मैं कहता हूं कि यह एक किताब है। किसी लड़के से पूछा कि यह क्या है, तो वो कहेगा यह एक किताब है, ठीक है। तो यह एक किताब है, तो इसको इंग्लिश में कैसे फाइंड करेंगे? देखो, This is a book. This is a book. यह एक किताब है। और पीछे फुल स्टॉप लगाओ, पूर्ण विराम लगा हुआ है, तो अपन ये फुल स्टॉप लगाएंगे। क्या लगाएंगे? फुल स्टॉप यानी बिंदी लगाएंगे। ये बिंदी आपको दिख रही है यहाँ पे, ऐसी एक बिंदी लगाएंगे ना? तो दिस इज ए बुक, यह एक किताब है। नेक्स्ट अगला है, यह एक पेन है, तो फिर इसको कहेंगे दिस इज ए पेन, यह एक पेन है। दिस इज ए पेन, तो पेन लिखने का होता है, उसको दिस इज ए पेन बोलते हैं। अगला देखिए, और सेंटेंस देखिए आप, देखिए वह राम है। मैं कहता हूं वह कौन है, तो वह राम है, तो ही इज राम, उसका नाम क्या है? ही इज राम। राम एक किसी का नाम है। जब अपन किसी का नाम लिखते हैं तो पहला अक्षर कैपिटल लेटर में लिखते हैं। कौन से लेटर में लिखते हैं? उसको कैपिटल लेटर में, यानी बड़े लेटर में। तो ही इज राम, वह राम है, ठीक है। ही इज राम। नेक्स्ट अगला है, मेरा नाम राम है, तो माय नेम इज राम। मेरा नाम राम है ना, माय नेम इज राम। और नेक्स्ट सेंटेंस अपन देखेंगे, ठीक है, वह मेरी बहन है। तो बहन एक स्त्रीलिंग शब्द है। बहन कौन सा शब्द है? स्त्रीलिंग है, इसलिए क्या लगेगा? शी, शी इज माय सिस्टर, वह मेरी बहन है। शी इज माय सिस्टर, वह मेरी बहन है, ठीक है। इस तरह से बड़ी आसानी से इनको याद कर सकते हैं। पीछे पुलिस स्टॉप लगाना नहीं भूले। अगला देखिए, वह मेरा भाई है, तो वह भाई क्या है? शब्द है पुल्लिंग शब्द, पुरुषवाचक शब्द, तो इसलिए क्या लगेगा? ही लगेगा। ही का मतलब वह, इज एन है माय एन मेरा, ब्रदर एन भाई, तो ही इज माय ब्रदर, वह मेरा भाई है। ही इज माय ब्रदर, वह मेरा भाई है, ठीक। अगला, आज सोमवार है, अपन कहते हैं आज सोमवार है, आज मंगलवार है, आज बुधवार है, तो ऐसे दिनों के लिए क्या करेंगे? टुडे इज मंडे। सोमवार को क्या कहते हैं? मंडे कहते हैं। टुडे मतलब आज, टुडे ना आज का दिन, तो टुडे इज मंडे, आज सोमवार। हम कैसे फाइंड करेंगे इसको? टुडे इज मंडे। अगला देखें तो, यह मेरा थैला है। अपन स्कूल जाते बैग ले जाते, ये मेरा थैला है, तो दिस इज माई बैग, दिस इज माई बैग। अब वैसे भी कह सकते हैं, यह मेरी कार है, दिस इज माई कार, है ना? दिस इज माई मोबाइल, ये मेरा मोबाइल है। दिस इज माई बुक, ये मेरी किताब है। दिस इज माई कैप, ये मेरी टोपी है। इस तरह से अपन इसका सेंटेंस बनाते रहते हैं। दिस इज माई काउ, ये मेरी गाय है,
इसे और भी सेंटेंस अपने मन से बना सकते हैं। दिस इज माई बैग। अगला देखिए, तुम्हारा नाम क्या है? कोई तो प्रश्न पूछता ना, तुम्हारा नाम क्या है, तो प्रश्न हो जाता है तुम्हारा नाम क्या है। तो अब इंग्लिश में इसको क्या कहेंगे अपन, व्हाट इज योर नेम। देखो इंग्लिश में होगा इसका व्हाट इज योर नेम, और पीछे प्रश्नवाचक निशान लगाना नहीं बोले, ये वाला प्रश्नवाचक निशान ना, और पहला अक्षर कैपिटल लगाना ही आपको, और व्हाट इज योर नेम, तुम्हारा नाम क्या है। ठीक है, अगला वे बाजार जाते हैं, तो वे के लिए क्या आएगा, दे गो टू मार्केट। मार्केट बाजार को क्या बोलते हैं, मार्केट, तो दे गो टू मार्केट, वे बाजार जाते हैं, दे गो टू मार्केट। ठीक है, इस तरह से अपन मार्केट को बड़े अच्छी तरह से याद कर लेते हैं। और भी आते हैं सेंटेंस देखिए, वह घर जाता है तो ही गोज टू होम। अब जाता कौन है, अगर पुरुष जाता है तो इसमें ही लगेगा। अगर मैं ये कह दूं वह घर जाती है, अगर जाती अगर शब्द आता है यहाँ पे तो शी आएगा, फिर क्या आएगा यहाँ पे, शी आएगा, शी गोज टू होम। तो वह जाता है, पुरुष जाता है तो ही गो टू गोज टू होम। अगला देखिए, वह एक लड़की है, वह एक लड़की है, तो वह कौन लड़की है, तो शी इज ए गर्ल, शी इज ए गर्ल। फिर मैं ये कहूं कि वह एक लड़का है तो इसका क्या होगा, आप बना के बताइए, है ना, इसका क्या होगा। देखो फिर बना हुआ सेंटेंस आ गया आपके सामने, ही इज ए बॉय, वह एक लड़का, वह एक लड़का है। ठीक, ऐसे तो ही है वह बॉय एंड लड़का, इज एन है वह एक लड़का है। अगला देखिए, आज रविवार है, तो रविवार को क्या बोलेंगे दोस्तों, टुडे इज संडे, टुडे इज संडे। रविवार को क्या बोलते हैं अंग्रेजी में, टुडे इज संडे, रविवार को बोलते हैं संडे, तो टुडे इज संडे, आज रविवार मतलब टुडे इज संडे, संडे मीन्स रविवार। ठीक है, टुडे इज संडे, आज रविवार। नेक्स्ट देखिए, राम स्कूल जा रहा है, तो राम गोज टू स्कूल। अब जा रहा है, देखो यहाँ पे सेंटेंस में मिस्टेक हो गई, राम स्कूल जा रहा है और यहाँ पे जो सेंटेंस है इसमें मिस्टेक हो जाती है। अब यहाँ पे मिस्टेक हो गई, राम स्कूल जा रहा है तो राम इज गोइंग टू स्कूल, यहाँ पे क्या आएगा इस सेंटेंस में, राम इज गोइंग टू स्कूल, राम स्कूल जा रहा है, यहाँ पे इज आएगा, क्या आएगा, राम इज गोइंग टू स्कूल, आई एन जी आएगा, पहले इज आएगा फिर आई एन जी, राम इज गोइंग टू स्कूल, राम इज आएगा फिर गोइंग, जी ओ आई एन जी, राम इज गोइंग टू स्कूल, राम इज गोइंग टू स्कूल। ठीक है, इस वाक्य मिस्टेक है, ध्यान रखना, ये कितनी जगह राम इज गोइंग टू स्कूल। ठीक है, अगला देखिए, मोहन बाजार जाता है तो मोहन गोज टू मार्केट, मोहन गोज टू मार्केट। मिस्टेक, तुम कौन हो, तो हु आर यू, तो कहते हैं तुम कौन हो, तो हु आर यू, तुम कौन हो। अगला देखिए, यह एक हाथी है तो दिस इज एन एलिफेंट, हाथी, हाथी क्या है, एलिफेंट है, तो एलिफेंट भी हाथी होता है, एलिफेंट भी क्या होता है, हाथी होता है, तो एलिफेंट ई से शुरू होता है इसलिए इसके पहले एन लगेगा, क्या लगेगा, एन, दिस इज एन एन एलिफेंट, दिस इज एन एलिफेंट, यह एक हाथी, एन यहाँ पे आर्टिकल, कौन सा शब्द, आर्टिकल, दिस इज एन एलिफेंट। फिर मैं कहूँ कि यह एक सेवफल है, तो सेवफल मीन्स क्या होगा, एप्पल, तो दिस इज एन एप्पल। क्या बताएंगे इसका सेंटेंस क्या बनाएगा, देखो दिस इज एन एप्पल, यह एक सेवफल है। फिर मैं कहूँ ये एक शेर है तो दिस इज ए लायन,
वहां एन लायन नहीं होगा, ए लायन होगा। मैं कहूँ कि एक राजा है तो दिस इज ए किंग, मैं कहूँ कि एक रानी है दिस इज ए क्वीन। ऐसे सेंटेंस अपने मन से बहुत सारे अपन बना सकते हैं, केवल आपको शब्द याद होना चाहिए, है ना। मैं कहूँ यह कार है दिस इज ए कार, ये एक बस है दिस इज ए बस, ट्रैक्टर, रेलगाड़ी दिस इज ए ट्रेन। ऐसे सेंटेंस अपने मन से बहुत सारे आप बना सकते हैं। तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है तो इसको लाइक भी करें और दोस्तों में शेयर भी करें और सब्सक्राइब करें, वीडियो चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि नेक्स्ट वीडियो आपके, और आपको किस तरह की वीडियो चाहिए कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। थैंक यू दोस्तों।